सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन इज एबी बॉन्साई हियर। सो गाइज आपने मेरे थंबनेल में ये जरूर पढ़ा होगा कि बॉन्साई पेड़ पे कैसे उगाए। सो गाइज बॉन्साई भी एक पेड़ होता है तो उसे पेड़ पे ही उगाना चाहिए ना, लेकिन गाइज इसका बोलने का मेरा तरीका कुछ और था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके पीछे जो एक जेट का एक प्लांट देख सकते हो लंबा सा, ऐसे ऐसे कटिंग से मैंने उसको उतना लंबा किया है विद इन 3 या 4 महीने के अंदर। सो गाइज उसमें से आप बॉन्साई कितने इजीली बना सकते हो और वो पेड़ पे कैसे उगाते हैं बॉन्साई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे बहुत लोग करते होंगे लेकिन मैं इस पर वीडियो भी बना रहा हूँ। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आप जो आगे जितने भी कटिंग्स देखने वाले हैं मैं उनका एक ब्रीफ दे देता हूँ कि ये आप जो सामने एक आप इसको बॉन्साई कह लीजिए, प्री बॉन्साई कह लीजिए, जेट का जो ये आप बॉन्साई यहाँ पे देख रहे हो, अभी आगे जो भी मैं टेक्निक से कटिंग ग्रो कर रहा हूँ वो फ्यूचर में जाके सारे के सारे इस तरीके का एक शेप लेगा। तो आप इसको एक बॉन्साई अगर कह सकते हो तो मेरे सारे कटिंग्स फ्यूचर में इस तरह दिखेंगे। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। इसका आप ट्रंक देख सकते हो, सीधा है, इसके दोनों तरफ से एक एक ब्रांच निकल रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं, ठीक है, तो एक ब्रांच फ्रंट था, एक ब्रांच बैक, अभी एक एक ब्रांच राइट लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखिए चारों तरफ कम से कम एक एक ब्रांच ग्रो किया था, ठीक है, और उन ब्रांच में से और भी सारे ब्रांच निकले, तो जिसकी वजह से इसके बहुत सारे ग्रोथ हो चुके हैं और जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा ट्री का लुक दे रहा है। सो गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप आगे जो मेरी कटिंग देख रहे हो तो उसको प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि मैं जो ऐसा दिखा रहा हूँ वो बॉन्साई नहीं है। जी गाइज वो बॉन्साई बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बॉन्साई बनेंगे इस तरीके से। तो चलिए गाइज वीडियो आगे बढ़ाते हैं। प्लांटर के अंदर जेट का लंबा सा प्लांट उगा हुआ है। सो गाइज इसके पहले आप मुझे गालियाँ देने लग जाओ, मैं आपको ये बता दूँ कि आपको एक छोटा सा कटिंग लेना है ऐसा, या लंबा भी ले सकते हो, उसको आपको एक प्लांटर के अंदर ग्रो करना है इतना लंबा, उसको वाइल्डली ग्रो होने देना है जैसा भी वो ग्रो करे। उसके बाद आपको उसकी ट्रिमिंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से आप बॉन्साई कैसे बना सकते हो। कई लोग शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आता है। सो गाइज आप यहाँ पे एक जेट का ट्री जैसा देख सकते हो, नीचे रूट्स है, ऊपर ब्रांचेस है, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी हद तक एक छोटा मामे बॉन्साई जैसा दिख रहा है कि नहीं गाइज, आप अग्री करते हो कि नहीं, ये शेप ले चुका है काफ़ी अच्छा बॉन्साई जैसा। और आप यहाँ पे इस साइड पे एक देख सकते हो, यहाँ पर भी एक कटिंग है जिसके दोनों तरफ ब्रांचेस हो गए हैं, इसमें और इसमें फ़र्क है, लेकिन आप एटलीस्ट इसको तो देख सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। सो गाइज ये रहा मेरा दूसरे कटिंग का कंटेनर, इसके अंदर आप देख सकते हो कितने अच्छे रूट सिस्टम हो गए हैं इसके भी और इसके भी, और आप इसका भी शेप देख सकते हो, ये छोटे मामे बॉन्साई जैसा या शोइन जैसा दिख सकता है, मतलब इन शॉर्ट ये ट्री के शेप जैसा आ रहा है। और आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैंने रिसेंटली ज़्यादा प्रूनिंग कर दिया इसलिए इसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हो ये थोड़ा ट्रायंगल जैसा लग रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा सा कैनोपी आ जाएगा, मतलब एक छोटे बॉन्साई जैसा ये दिख रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। सो गाइज आप इसी तरह छोटे छोटे बॉन्साई बना सकते हो, क्योंकि ये जेड है ये बढ़ता ही रहेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा छोटा है, नहीं गाइज ये छोटा है, फिर भी अगर ये बढ़ता रहा अच्छे से शेप आने तक ये कम से कम आधे फीट तक लंबे हो जाएंगे और अच्छा खासा इसका ग्रोथ हो जाएगा। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। जी गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका साइज़ पहले वाले से थोड़ा बड़ा है। जी गाइज ये आप पूरा डिपेंड करता है कि आप अपने जो लंबा सा प्लांट है उसको आप कैसे कटिंग कीजिए। यहाँ पे मेरे ग्रोथ था तो मैंने यहाँ से कट कर दिया तो इतना छोटा बन गया। इसको आप देख सकते हो ये यहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं थे, यहाँ के ऊपर के बाद ग्रोथ थे तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो ये अभी ट्री जैसा दिख रहा है। सो गाइज यही एक तरीका है कि मैं अपने बॉन्साई ऐसे बना रहा हूँ छोटे छोटे, जो ज़रूरी नहीं इतने छोटे हैं, जैसे इसके रूट्स नीचे से और बड़े हो जाएंगे तो ये रूट्स के साथ ही कम से कम इतना बड़ा हो जाएगा, अच्छा खासा शोइन बन जाएगा। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं। सो गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले कटिंग लेना है इस तरीके का, उसको एक प्लांटर में लगाना है, उसको कम से कम 3 से 4 महीने के लिए छोड़ देना है बड़े होने के लिए, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। ये तो मेरा इतना घना नहीं, मैंने कट कर दिया है इसलिए आपको, ताकि समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा घना हो गया था, मैंने बीच बीच में से भी काफ़ी सारे ब्रांच निकाले ताकि एक ट्री जैसा शेप दे सके। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से देखना है कि कहाँ का ट्री बन सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक छोटा सा ट्री जैसा दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा ट्री जैसा दिख रहा है, इतने पार्ट में एक छोटा सा ट्री जैसा दिख रहा है इतने पार्ट में, तो उसी हिसाब से मुझे इसको कट करना है। तो चलिए गाइस सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देखिए, ठीक है, ये भले ही अभी बहुत छोटा है लेकिन अगर जब ये बड़ा होगा, ट्रस्ट में गाइस, ये एक बॉन्साई के शेप में आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको अभी कटिंग लगाना है, एक दिन के लिए इसको सुखाना है ताकि इसका जो एंड है ये थोड़ा सा सूख जाए, इसको कालूस बोलते हैं शायद,
ठीक है, सेकेंड हैंड लैंग्वेज में या सब कुछ बोलते हैं, कालूस बोलते हैं। ये थोड़ा सा सूख जाए, नीचे से ड्राई हो जाए, एक दिन के बाद इसको कटिंग लगा दीजिए, एक हफ्ते के अंदर इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ जाएगा। चलिए हम अपना दूसरा कटिंग निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे फोकस फोकस, हाँ ठीक है, अभी हमारा दूसरा कटिंग हम यहाँ से निकाल लेंगे। जी गाइस देखिए, ये भी एक छोटे से ट्री जैसा दिख रहा है। जी गाइस अभी भले ही कितना भी मेच्योर दिख रहा हो, लेकिन ट्रस्ट में बाद में जाके ये काफ़ी अच्छा बॉन्साई बन जाएगा। मैंने अपने काफ़ी सारे बॉन्साई ऐसे ही बनाए हैं जेड के, और ये वन ऑफ द सबसे इजीएस्ट वे है कि आपको बहुत सारे कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लंबा कीजिए, उसी के अंदर बहुत सारे निकालिए। लिए अगला निकालते हैं हम। देखिए गाइस, चलिए नेक्स्ट कटिंग निकाल लेते हैं। जी गाइस एटलीस्ट ये तो आप कह ही सकते हो कि ये छोटा सा ट्री जैसा दिख रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे और एक आगे के ग्रोथ के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हो चारों साइड से एक एक ब्रांच निकला हुआ है ताकि इसको बाद में फ्यूचर में पूरा घना कर सके, और नीचे से रूट आ जाएगा तो इसका ट्रंक ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा ना गाइस। सो गाइस अभी जो ये बचा हुआ कटिंग है हमारा, ठीक है, इसका हाइट इतना है। अभी ये एक छोटे से प्लांटर के अंदर रखा हुआ है, बट कुछ दिनों तक यहीं रहेगा ताकि इसका जो कट मिला, इसका जो इस मिट्टी में पूरा जो न्यूट्रिशन है, जो खाद वगैरह डाला है, वो अच्छे से इसको मिल जाए। ठीक है, तो अभी बारिश का सीज़न आने वाला है एक या दो महीने के अंदर, तो एक या दो महीने तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, और बारिश में तो मैं जेट को हाथ भी नहीं लगाता। ठीक है, तो कम से कम बारिश चला जाएगा तो कम उसमें 6 महीने या उसके ऊपर निकल जाएंगे, तब तक इसका ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से मैंने एक सेक्रीफाइस ब्रांच को रखा हुआ है ताकि मैं इसको काटा नहीं, क्योंकि इसका ट्रंक और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। बाकी सारे कटिंग्स के कंपैरिजन में इसका जो ट्रंक है वो मोटा है, क्योंकि ये सबसे नीचे था, इसके रूट्स हैं। सो गाइस इसके वजह से ये और भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, ऊपर इसका अच्छा खासा शेप है ही। सो गाइस यहाँ से भी मैं कट कर दूंगा इसको फ्यूचर में। चलिए अभी कट कर देते हैं, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, तो वहाँ से भी और ब्रांचेस आ जाएंगे, चारों तरफ से एक एक ब्रांचेस छोड़ दिया है मैंने। ये फ्रंट वाला शायद मैं निकाल दूंगा फ्यूचर में, अभी मैंने कुछ इतना डिसाइड नहीं किया है कि इसका फ्रंट कौन सा है। लेकिन गाइस इसी तरह हम अपने बॉन्साई के कटिंग्स को रेडी कर सकते हैं और बॉन्साई बना सकते हैं। कम से कम एक साल के अंदर ये बहुत ही अच्छा बॉन्साई बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरा आइडिया अच्छा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आइडिया अच्छा है, और अगर इससे भी अच्छा आइडिया है आपके पास तो आप मुझे वो भी बता सकते हो या मुझे लिंक शेयर कर सकते हो। तो चलिए गाइस कितने सारे कटिंग्स कलेक्ट हुए हैं हम वो देख लेते हैं। मैंने कल रात को बहुत सारे कटिंग्स निकाले थे और अभी भी निकाले हैं, तो हम देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, कल रात को कम से कम मैंने 17-18 कटिंग्स निकाले थे, उनमें से ये है, तो रात भर में ये थोड़ा बहुत सूख गया। ये देखिए इसका एंड, तो मैं आज रात तक वेट करूंगा इसका जो एंड है वो थोड़ा अच्छे से सूख जाए। एक सेकेंड, ये देखिए गाइस इसका थोड़ा एंड है वो सूख गया है अच्छे से, रात तक और सूखेगा, 24 घंटे तक मैं छोड़ दूंगा। और देखिए सबसे छोटे से छोटे, पतले में पतले और मोटे में मोटे कटिंग्स भी निकले हैं, पर जैसे भी हो बॉन्साई बॉन्साई होता है गाइस, वो बाद में फ्यूचर में ग्रो करेगा। और इनमें से मेरा जो सबसे बड़ा कटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ, चला गया, ये रहा गाइस, ये देखिए। एक मेरा ऐसा प्लांट था जो बहुत ही ज़्यादा मोटा था, उसके टॉप पे ये था गाइस, ये देखिए टॉप पे ऐसा बन रहा था, तो यहाँ से मैंने कट कर दिया है। और ये काफ़ी अच्छा कटिंग है एक बॉन्साई बनाने के लिए। सो गाइस एक साथ एक झटके में इतने सारे कटिंग्स मैंने कलेक्ट कर लिए, और इन सबको मैं अभी पॉट में लगा दूंगा, सॉरी ग्लास में लगा दूंगा, सैंड और पत्तों के खाद के साथ, शायद थोड़ा सॉइल भी ऐड करूँ, सैंड ज़्यादा डालूंगा ताकि उससे उसके रूट ज़्यादा आ सके। और गाइज ये मैंने इस सीज़न में अभी किया है क्योंकि बारिश का मौसम आने पे मैं अपने जेट पे वर्क नहीं कर सकता, और मुझे कुछ ना कुछ चुल मची रहती है कि मैं कुछ ना कुछ काटते पीटते रहूं और इनको शेप देता रहूं। तो बारिश के टाइम पे तो मैं इनको कटिंग ग्रो कर ही नहीं सकता था, और अभी ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे करना ही पड़ा, बहुत सारे कटिंग निकले गाइज। फ्यूचर में मैं इनके अपडेट्स आपको ज़रूर दिखाऊंगा एक साथ। और गाइस जो नीचे वाला पार्ट है वो तो आप देख ही सकते हो, कटिंग्स को छोड़ के मानो मैंने 1 2 3 4 5 6
छः मेरे पहले के कटिंग्स थे जो बहुत लंबे हो चुके थे, 6 में से आज 30 कटिंग्स निकले हैं गाइस, ठीक है। तो सोच सकते हो आप इसको कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे पतला वाला पार्ट है, उसको तो ऑब्वियसली आप बोनसाई नहीं बना पाओगे, लेकिन गाइस इसको इनकी तरह कटिंग कर सकते हो और कटिंग ग्रो कर सकते हो। अभी मैं शायद इन सबको निकाल दूंगा, ठीक है, 6 को बाहर निकाल के किसी पॉट में लगा दूंगा और इनको रिप्लेस कर देगा ये, फिर ये बड़ा होगा और इनमें से हम ऐसे छोटे छोटे बोनसाई क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये मेरे छोटे छोटे बोनसाई भी अच्छे लगे हो और ये ट्रिक मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ वो बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इसी तरह हमारा फैमिली ग्रो हो सकता है और हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े बोनसाई बना सकते हैं। गाइज, आप मेरे को कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को यूट्यूब पर नीचे कमेंट कर सकते हो। और आपको मुझे अगर पर्सनली बात करनी है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता जैसे बहुत सारे लोग मांगते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। फॉलो नहीं भी करना है, अगर बात करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ अच्छे से। ज़रूरी नहीं कि आप मुझे सजेशन ही मांगो, आप मुझे सजेशन दे भी सकते हो, मैं भी सीखने के लिए ऑल टाइम रेडी रहता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करते हो। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।